ओके सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन व्हाइटनिंग में काफी अच्छे से काम करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए अच्छे हैं और ये एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी होगा। और साथ ही में ना फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मैंने अमेज़न से प्रोडक्ट्स रीपर्चेज किए हैं जो कि मैं नॉर्मली यूज करती हूँ और मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मलाजमा, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं सो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होगी वो काफी रिजनेबल होगी। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, वो क्लिक करके ग्रे कर दो, और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ रिलेटेड, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्किन व्हाइटनिंग की, स्किन लाइटनिंग की, और ऐसे डार्क स्पॉट्स हटाने की या मलाजमा को रिमूव करने की। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले ये जान लेते हैं स्किन लाइटनिंग हम लोग क्यों चाहते हैं, हमारे स्किन में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा नेचुरल कलर जो है वो चला जाता है और हमारी स्किन जो है डार्क साइड पे चली जाती है। फ्रेंड्स, उसका एक मेन रीजन है जो कि है मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन प्रोडक्शन जब आपकी स्किन में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा पावर में आ जाता है, तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है आपके एक्चुअल कलर से। और कई केसेस में देखा गया है कि हाइपरपिगमेंटेशन या मलाजमा, ब्राउन से स्पॉट्स, ये सारी चीजें भी देखी गई है। समटाइम्स ये कई विटामिंस या मिनरल्स की भी इश्यू की वजह से भी होते हैं, और समटाइम्स हम इसको जो है ऊपर के प्रोडक्ट से भी जो है ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि काफी अच्छे नेचुरल मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप लोग को अभी दिखाने जा रही हूँ, जैसे कि पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ वो है ये वाओ विटामिन सी की तरफ से, ये है 20% फेस सीरम है फ्रेंड्स। ये अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग विटामिन सी यूज करते हो, आप करते आ रहे हो, देन तभी आप ये यूज कीजिएगा, क्योंकि ये 20% है। 20% इज अ लिटिल हाई परसेंटेज इन विटामिन सी। आपको इरिटेशन एंड रेडनेस हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रांग है फ्रेंड्स, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव जरूर है। मेरी बॉटल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लैक बॉटल आपको दिख भी नहीं रही होगी, ये इम्प्टी हो चुकी है, बट कुछ प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे रहता है इस तरीके का। आपको ये क्लियर प्रोडक्ट दिखता है, नॉन स्टिकी है, आप गर्मियों में यूज कीजिए, सर्दियों में यूज कीजिए, आप ये कभी भी किसी भी स्किन टाइप पे यूज कर सकते हैं, इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ये है प्योर विटामिन सी, ठीक है, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है 20%, तो ये आपको ट्रीट करेगा आपकी स्किन लाइटन में। आपको जो टैनिंग हो गई है, मेलानिन प्रोडक्शन जो बढ़ गया है, उसको ये कम करने में काम करेगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, हाइपरपिगमेंटेशन आ गई है, मलाजमा का इश्यू आ गया है, तो उसको टाइमली जो है धीरे धीरे रिड्यूस करना ये स्टार्ट करेगा। आपकी स्किन पे एक ब्राइटन अप ग्लो लेकर आएगा। आप जब इसको रात को यूज करोगे, मॉर्निंग वेकअप करोगे, यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट्स विद इन 30 डेज। तो ये चीज मैंने यूज की हुई है इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ, बट ये स्किन टाइप पे जो है डिफरेंट वर्क कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन दिया है आपको। अगर आप ये प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहते हो, इसका लिंक आपको जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप लोग प्लीज चेकआउट कीजिएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ इस समय, वो सारे ही मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ, वो आप लोग लेके आई हूँ फुल बॉडी के लिए, ठीक है। अगर आप फुल बॉडी में स्किन लाइटनिंग चाहते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो चुका है, या आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं कई बार टैनिंग की वजह से, जो कि बहुत हार्श होते हैं समटाइम्स, और वो नहीं चाहते हैं जल्दी, तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, वो है ये कोजी केयर। ये है फ्रेंड्स स्किन लाइटनिंग सोप, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस सोप है, मेडिकेटेड सोप है, आपको केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये बेस्ट है एंटी एजिंग के लिए, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, इसके अंदर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी है। इवन अगर बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की, तो पहला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, आरब्यूटिन एंड विटामिन सी एंड ई।
फ्रेंड्स इसके अंदर कोजिक एसिड एंड ग्लूटाथियोन डाला गया है। कोजिक एसिड फ्रेंड्स एक फंगी से डिराइव किया जाता है। फ्रेंड्स जो कोजिक एसिड है वो कम्प्लीटली नेचुरल है। फ्रेंड्स अगर आपको एसिड वर्ड से ऐसा लग रहा हो, कम्प्लीटली नेचुरल है। ये एक फंगी से डिराइव किया जाता है। ये आपकी ऊपर की लेयर को हटाता है जिससे आपकी स्किन लाइटनिंग होती है और आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलता है। सेकेंड जो इसके अंदर है ग्लूटाथियोन फ्रेंड्स, ग्लूटाथियोन इज द बेस्ट फॉर द स्किन लाइटनिंग एजेंट। ये आई थिंक सो वर्ल्ड फेमस इंग्रेडिएंट है जो कि ग्लूटाथियोन है। ये स्किन लाइटनिंग के लिए ही माना जाता है। ठीक है, बाकी आपको स्किन नरिशमेंट मिलेगी और स्किन लाइटन अप होगी, स्किन ब्राइटन अप होगी इस प्रोडक्ट के साथ। और ये आप फेस पे भी यूज कर सकते हो, फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। एंड दिस वन इज माई सेकेंड परचेज। ठीक है, अभी मैंने ये ओपन नहीं किया है क्योंकि पहले वाला खत्म हो गया था। मैं आपको अंदर से प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ये आपको 75 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है। प्राइस मैं आपको नीचे पॉपअप कर दूंगी। इस तरीके का है फ्रेंड्स ये। अगर मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाऊं तो पैकेजिंग आपको इस तरीके की मिलती है। ठीक है, फ्रेग्रेंस भी इसकी काफी अच्छी है, आई लाइक इट। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आती है अब मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को। ठीक है, मॉइस्चराइजर में मैं लेकर आई हूँ ये कोजिक केयर का ही स्किन लाइटनिंग क्रीम है। इसके अंदर भी कोजिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है, ग्लूटाथियोन है। तीनों ही इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर आते हैं, लाइटन अप लेकर आते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है लाइटर होती है, ब्राइटर होती है और कोई डार्क स्पॉट्स आ गए हैं वो रिड्यूस होते हैं। मलाजमा का प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होने लग पड़ता है। और साथ ही में फ्रेंड्स इसके अंदर जो है सन प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है जो कि आपको कोजिक केयर से मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स इसके अंदर आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिलता है। और मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपको दिन में दो बार ही यूज करना है। ये काफी फेमस प्रोडक्ट है, मतलब कोजिक केयर बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है, ये मेडिकेटेड ब्रांड है। ठीक है, और ये मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, एक येरी ठीक है और एक येरी। ओके, सो मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जितनी भी ऊपर की डेड स्किन सेल्स होती है उसको बहुत ही अच्छे से ये रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी टैनिंग भी चली जाती है। ठीक है, आपकी स्किन लाइटन अप तो होती होती है, अगर आपकी स्किन में टैन आ गया है वो भी रिमूव हो जाएगा। और साथ में एक आपको ना पीलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, जो हम केमिकल पीलिंग से करते हैं उसका इफेक्ट मिलता है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसमें। आपने दिन में दो बार यूज करना है, इसको रेगुलर यूज करते रहिए कम से कम 3 से 6 महीने तक। ये नहीं कि आपने 1 या 2 दिन यूज किया, सोचा ओके इफेक्टिव नहीं है या क्या है। 1 या 2 दिन में फ्रेंड्स कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी सेकेंड ट्यूब है फ्रेंड्स, तो ट्यूब छोटी सी है बट ये यूज काफी अच्छे से हो जाती है। प्राइस भी बहुत ज्यादा रिजनेबल है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी अमेजोन पे मेगा फैशन सेल जो है लाइव है 7th to 11th April तक। अगर आप फ्रेंड्स शॉप करते हो तो आपको 70% तक का ऑफ मिल सकता है टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स के ऊपर। और साथ ही में फ्रेंड्स 20% कैशबैक भी है अगर आप प्राइम कस्टमर्स हो। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने की, स्किन लाइटनिंग करने की, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सनस्क्रीन आपकी। ठीक है, आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी स्किन को लाइटन अप, ब्राइटन अप और जो भी डार्क स्पॉट्स है उससे फ्री होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये है डॉट एंड की तरफ से है। ये है विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन SPF 50 PA++। इसके अंदर है फ्रेंड्स काफी अच्छा UVA+UVB एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन की भी, जो कि आपको सन रेस से प्रोटेक्ट करती है, जो कि सन की तरफ से आती है ब्लू लाइट, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है एडवांस में है। और फ्रेंड्स इसकी जो प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा है कि आप अपने मेकअप के अंडर भी यूज कर सकते हो, आपको चिपचिपापन बिल्कुल नहीं आएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है,
तो भी ये सूटेबल होने वाला है। ये आपकी स्किन में ब्राइटन अप ग्लो तो लेके आएगा क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी एंड ई है, साथ ही में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। 50+ PA++ इसके अंदर जो है बेनिफिट, उसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हो, फ्रेग्रेंस इसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेग्रेंस इरिटेट होते हो तो ये चीज काफी अच्छी है, ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। साथ ही में फ्रेंड्स इसके अंदर व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लगाया है और इसमें बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं आया है, कम्प्लीटली इसने अब्सॉर्ब कर लिया है मेरी स्किन में और पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है। मोस्टली सनस्क्रीन लोग क्यों स्किप करते हैं, मैं भी पहले स्किप कर देती थी। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि सनस्क्रीन जो पहले आती थी वो बहुत ज्यादा एक लेयर बना देती थी आपकी स्किन में, आपके पोर्स को क्लॉक कर देती थी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी और साथ ही में फ्रेंड्स वो एक चिपचिपापन आता था इतना ज्यादा कि आप उसके ऊपर मेकअप भी नहीं कर सकते थे और रीअप्लाई करना तो बहुत दूर की बात। इसलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी में है फ्रेंड्स, बिल्कुल चिपचिपापन नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने सनस्क्रीन लगाया, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हैवी फीलिंग है या लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप ट्राई आउट जरूर कर सकते हैं, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इसका भी परचेजिंग लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं वो आपने ऊपर से अप्लाई करने हैं फॉर द स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग या किसी भी डार्क स्पॉट्स के लिए। फ्रेंड्स समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके अंदर कमी होती है, आपके अंदर विटामिंस एंड मिनरल्स की कमी हो रही है जिसके कारण आपको इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और जो ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। पर उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ, वो है एक ये न्यू हर्ब्स की तरफ से है फ्रेंड्स, ये है हेयर एंड स्किन विटामिंस विद हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में मैंने पहले ही बहुत बारी बताया हुआ है, डीपली बताया हुआ है, डिटेल में बताया है, कुछ लिंक्स होंगी वीडियो लिंक्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे जाके आप इसका एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है। फ्रेंड्स इसके अंदर 9 विटामिन 6 मिनरल्स है और बहुत ही तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर विटामिन के है, प्रिजर्वेटिव फ्री है ये। फ्रेंड्स इसके अंदर अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ, इतनी ज्यादा है, मतलब इसके अंदर इतने सारे विटामिंस एंड मिनरल्स हैं कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा अगर आपको इसमें मतलब लग रहा हो कि ये प्राइसिंग हाई है, बट आप इसको प्लीज 3-4 मंथ्स यूज करके देखिएगा, आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स साथ ही में जैसे कि एक मल्टी वाइटमिन काइंड ऑफ अ थिंग है, तो इसके साइड इफेक्ट्स इतना आपको इतने नहीं होंगे, बट फ्रेंड्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस, ओके। बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, लेना कैसे है। फ्रेंड्स इसको लेने का तरीका बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप लोग ये देख सकते हो कैप्सूल इस तरीके का है, बहुत इजी तरीका है। आपने खाना खाने के बाद ये कैप्सूल लेना है आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, खाना खाया 30 मिनट्स का गैप दिया, फिर आपने एक कैप्सूल लेना है, ठीक है, और सेम चीज आपने इवनिंग टाइम में भी करनी है, मतलब आपने दिन में 2 बार ये कैप्सूल लेना है, खाना खाने के बाद 30 मिनट्स का वेट करना है, देन आपने ये ले लेना है पानी के साथ। दिन में 2 बार ही आपने ये लिया फ्रेंड्स, तो इसके आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज 3 मंथ्स एटलीस्ट यूज कीजिएगा प्रोडक्ट, नहीं तो आपको उसके रिजल्ट्स ही नहीं पता चलेंगे और आप कहेंगे कि दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सो अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।